हेलो 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 एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वीकली स्किन केयर रिजीम जो मैं हर वीक फॉलो करती हूँ अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपने हेयर को टाई। अब देखते हैं स्टेप क्या क्या। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है क्लींजर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का जेंटल क्लींजर। तो ये क्लींजर को तो आप सभी जानते होंगे, आलिया भट्ट का भी फेवरेट क्लींजर है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैंने आलिया भट्ट का वीडियो देखने के बाद ही ये क्लींजर खरीदा और मैं इसे खरीदती रहूँगी। मेरी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है और मेरी स्किन टाइप के लिए ये क्लींजर बहुत ही अच्छा है। मुझे अब तक के सारे क्लींजर जितने मैंने यूज़ किए मुझे ये बेस्ट लगा है। इसे आप अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। और अब इसके बाद बारी आती फेस पैक लगाने की। फेस पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का फ्रूट फेस पैक। और ये फेस पैक आपके फेस से सारा टैन और डीपिगमेंटेशन को रिमूव करता है, आपकी स्किन को बनाता है ग्लोइंग। आपको इसे वीक में दो बार यूज़ करना है और मैं इसे अपने फेस पे रखूँगी 10 से 15 मिनट तक। इसके बाद फिर मैं अपने फेस को वॉश करूँगी। आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई भी होममेड फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ बहुत सारे होममेड स्क्रब एंड होममेड फेस पैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मेथड शेयर करने वाली हूँ। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर हम अपना फेस वॉश करेंगे। अब स्क्रब की जगह मैं यूज़ करने वाली हूँ पीलिंग सॉल्यूशन एंड दिस इज़ फ्रॉम द ऑर्डिनरी। गाइस अगर आपको पता नहीं है कि पीलिंग सॉल्यूशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जो पीलिंग सॉल्यूशन होता है बिना AHA BHA सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, पूरे जो एसिड होते हैं इन सबका मिक्सचर है जो कि आपके स्किन को बनाता है ब्राइटन अप। क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, और सैलिसिलिक एसिड AHA BHA आपकी स्किन से वाइट हेड और ब्लैक हेड्स एंड पिंपल्स जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती ना वो सबको प्रिवेंट करता है। तो ये जो पीलिंग सॉल्यूशन है आपको इसे 15 दिन में एक बार यूज़ करना है अपने स्क्रब को स्किप करके। आपको स्क्रब करने की इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने स्क्रब करना टोटली छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इससे इतने सही रिज़ल्ट मिल रहे हैं पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ करने से। मेरी जो स्किन का टेक्सचर है ना वो बहुत स्मूथ हो गया है और मुझे अब वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की भी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बट मुझे इससे कोई भी ऐसे कुछ हार्म नहीं हुआ मेरी स्किन को। और द ऑर्डिनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं सेंसिटिव स्किन को भी बहुत सूट करते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप एक बार पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद ही लगाएं। और सेकेंड थिंग कि इसमें है AHA BHA सैलिसिलिक एसिड जो आपकी स्किन को बहुत ही ड्राई बना सकते हैं। तो इसके बाद आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ सेटाफिल की नाइट क्रीम। और इस नाइट क्रीम में नाइसिनामाइड, आप पीलिंग सॉल्यूशन को यूज़ करने के बाद नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, बट इसके बाद आप कोई भी एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन सी आप उस दिन ना यूज़ करें तो बेहतर है। इसलिए आज मैं विटामिन सी सीरम और टोनर अपना स्किप कर रही हूँ और सिर्फ यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ लेनेज का स्लीपिंग मास्क। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पीलिंग सॉल्यूशन लगाने के बाद आप जितना हो सके अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं यहाँ पर लेनेज का ये स्लीपिंग मास्क लगा रही हूँ जो कि मेरी स्किन को बनाएगा हाइड्रेटेड एंड ग्लोवी। खैर अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते तो यू कैन स्किप दिस, बस आप पीलिंग सॉल्यूशन लगाने के बाद अभी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता वो लगा लें। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ की आई क्रीम। और मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, जिससे कि अगर आपको ख़रीदना हो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इस तरह मैं अपनी आई क्रीम को ले करके अपने आइज़ के अराउंड सर्कुलर मोशन पे से मसाज कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का लिप बाम, क्योंकि हमें हमारी स्किन के साथ साथ अपने लिप्स और अपनी आई की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। और आपको भी ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।